समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के लिए दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। या फिर कम्यूटेटिव लॉ। इसका स्टेटमेंट या कथन यह है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। तो इसके लिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। उपपत्ति लेकर के चलेंगे। माना एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है। माना एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एक अवयव है, तो इससे हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो इससे यह कंक्लूजन आता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स जो है वो एक ए इंटरसेक्शन बी में है तो वह ए में भी है और बी में भी है। दोनों का यदि हम क्रम चेंज कर दें तो हमें मिलेगा एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। क्रम चेंज करने पर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हम कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। हमने एक अवयव यहाँ पर लेकर के चला था और हमें वो बी इंटरसेक्शन ए में मिल रहा है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। और ये पहला समीकरण हम इसे लेते हैं। अब हम पुनः यह मान करके चलेंगे कि x जो है यह अवयव है b इंटरसेक्शन a का, तो यहां से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। दोनों का यदि क्रम बदल दें तो हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इन दोनों से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब देखिए, हमने एक अवयव लिया था बी इंटरसेक्शन ए में और हमें वह मिल रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह समीकरण दो, तो समीकरण एक व दो से हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और यही क्रम विनिमय नियम है समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के लिए। तीसरा है साहचार्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। तो इसका कथन इस प्रकार है, ए इंटरसेक्शन बी में अगर इंटरसेक्शन ले लिया जाए सी का, तो ये ए और बी इंटरसेक्शन सी के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए भी हम उपपत्ति के लिए एक अवयव लेकर के चलेंगे कि जो कि लेफ्ट साइड पे बिलोंग करता है और हमें वह मिलेगा कि वो राइट हैंड साइड में बिलोंग करता है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट होगा। फिर दूसरे स्थिति में हम लेकर के चलेंगे एक अवयव राइट हैंड साइड का है और हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने पर मिलेगा कि वह लेफ्ट हैंड साइड का एक अवयव है। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट हो जाएगा और दोनों स्थितियों को मिलाकर हम लिख पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर ये एक सेट जो है वो दूसरे सेट के बराबर है। तो लिखेंगे, माना एक्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एक अवयव है। अब चूंकि इंटरसेक्शन का एक अवयव है तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इंटरसेक्शन से और इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या फिर एंड एंड शब्द का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे और x बिलोंग्स टू c, इसके और इसके इंटरसेक्शन में है तो वो इस पे भी होगा और ये इस पे भी होगा। तो इस तरीके से हमने इसको ये लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट है इसके लास्ट के दो टर्म में हम शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x belongs to C। तो यहां से हम लिख सकते हैं x belongs to, यहां से हम लिख सकते हैं x belongs to A intersection
बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को हमने बी इंटरसेक्शन सी लिख लिया है। तो देखिए एक अवयव हम यहाँ पर लेकर के चले थे और हमें वो यहाँ पर मिल रहा है, तो इससे यह कंक्लूज़न आता है कि ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटरसेक्शन यदि सी से लें तो यह सबसेट होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं। अब पुनः हम यह लेकर के चलेंगे कि x जो है ये अवयव है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का, तो इससे हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। अब ये जो ब्रैकेट है इसे पहले दो टर्म में शिफ्ट कर देते हैं तो हम लिख पाएंगे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इसे हम आगे लिख सकते हैं x belongs to, ये A intersection B के लिए हो गया, तो लिखेंगे x belongs to A intersection B और x belongs to C है। यहाँ पर फिर और शब्द का इस्तेमाल है, यहाँ पर और यहाँ पर दो अलग अलग सेट है, तो इसे हम लिख पाएंगे x belongs to A intersection B intersection C। तो देखिए हमने एक अवयव A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में लेकर के चला था और हमें वह मिल रहा है अवयव A इंटरसेक्शन B और उसका इंटरसेक्शन C के साथ। तो इस तरीके से यह निष्कर्ष निकलता है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B और उसका इंटरसेक्शन C के साथ। इसे समीकरण दो देते हैं। तो समीकरण एक व दो से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B और उसका इंटरसेक्शन C के साथ लेंगे, यह इक्वल होगा B और C का इंटरसेक्शन ले लीजिए और इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए A के साथ, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यह बराबर होगा। तो यह है सहचार्य नियम समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के लिए। अगला है तत्समक नियम या आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ इंटरसेक्शन के लिए यह है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू आपको ए मिलेगा, और दूसरा इसका नियम है कि ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू आपको फाई मिलेगा। देखिए यूनिवर्सल सेट यू है और इसमें एक सेट होता है ए, या फिर कोई एक दिए गए सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट में शामिल होता है, तभी वह यू जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसे हल करते हैं या सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे कि माना x A इंटरसेक्शन U का एक अवयव है, तो इसे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन U। इसका मतलब ये कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू U, और चूंकि A जो होता है वो सबसेट है U का, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x जो है वो A में बिलोंग करता है। तो देखिए हमने अवयव यहाँ पर लेकर के चला था और हमें वह अवयव यहाँ पर मिल रहा है, तो इससे इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट U इज अ सबसेट ऑफ A। ये समीकरण एक, ये हम पहले के लिए उपपत्ति देख रहे हैं, ये हम पहले के लिए प्रूफ देख रहे हैं, समीकरण एक मिल गया। पुनः x बिलोंग्स टू A है तब इससे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A, और हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू U, क्यों? क्योंकि A जो है वो सबसेट है U का। अब कोई अवयव अगर A में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वह U में भी शामिल है, तो इस तरीके से हमने लिखा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू U। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन U, और इससे हमें मिलेगा कि A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन U। यह समीकरण दो। समीकरण एक व दो से हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू A। अब दूसरे के लिए हम प्रूफ देखते हैं। परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन फाई जो होगा यह फाई का सबसेट होगा, क्योंकि फाई एक तरीके से सबसे छोटा एलिमेंट है और उसे हम एक दूसरे सेट के साथ
फाई एक सबसे छोटा सेट है और उसे हम एक दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमें मिल जाएगा फाई। इसे हम एक समीकरण ले लेते हैं। अब चूंकि जो फाई होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अतः हम लिख सकते हैं फाई बिलोंग्स टू या फाई इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। ये दूसरी स्थिति। अब ये पहली और दूसरा समीकरण से, समीकरण एक व दो से हम यह लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन फाई जो होगा ये फाई के बराबर होगा, और यही है तत्समक नियम का दूसरा नियम दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के लिए। अब इसमें पांचवा नियम है वितरण नियम, जिसे बंटन नियम के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। तो इसका पहला नियम है ए यूनियन, तो इसका पहला नियम है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में इंटरसेक्शन है और अंदर में यूनियन है, तो पहले ए बी के साथ ऑपरेट होगा इंटरसेक्शन को लेकर के, और फिर वह ऑपरेट होगा ए इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से। यह पहला नियम है। चलिए इसकी उपपत्ति देखते हैं। माना एक्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का एक अवयव है, तो इसे हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन के लिए और शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। यूनियन के लिए या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी या फिर एक्स बिलोंग्स टू सी। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to B, और आगे हम लिखेंगे या x belongs to B, आगे लिखेंगे या x belongs to A और x belongs to C। यहां पर और है तो इसके लिए इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, यहां पर भी और है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x belongs to A intersection B या फिर x belongs to A intersection C। यहाँ पर या शब्द आया है तो इससे हम लिखेंगे x belongs to A intersection B union A intersection C, x belongs to A intersection B union A intersection C। तो एक अवयव हमने यहाँ पर लेकर के चला था और हमें वह राइट हैंड साइड में जो सेट दिख रहा है इस पर मिला है, तो इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यह पहला समीकरण। अब पुनः यह मान करके चलेंगे कि एक्स जो है वह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का एक अवयव है, तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसके लिए हम या शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी या x belongs to A intersection C। अब ये जो इंटरसेक्शन है इसके स्थान पर हम और शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आगे हमें मिल जाएगा x belongs to A और
x belongs to b, या फिर x belongs to a और x belongs to c। यहां पर a है और यहां पर a है, उसका विलोपन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x belongs to a और x belongs to b या x belongs to c, ये जो सेट है। या को हम यूनियन से सेपरेट कर देंगे तो मिलेगा x belongs to a और x belongs to b यूनियन c। ये जो और है इसको हम इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर देंगे, तो x belongs to a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि a इंटरसेक्शन b का यूनियन a इंटरसेक्शन c के साथ लेने पर जो सेट है वह उपसमुच्चय होगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c के। यह दूसरी स्थिति या दूसरा समीकरण, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से हम लिख सकते हैं, समीकरण एक व दो से हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b यूनियन c बराबर a इंटरसेक्शन b और यूनियन होगा a इंटरसेक्शन c के। और यही सर्वनिष्ठ के लिए पहला वितरण नियम है। समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का वितरण का दूसरा नियम है a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो इसे भी हम सिद्ध करने के लिए हम एक अवयव मान करके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम लिखेंगे माना x जो है वो a यूनियन b इंटरसेक्शन c का एक अवयव है। तो हम इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a या फिर x belongs to b intersection c। यूनियन के लिए या का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम आगे लिख पाएंगे x belongs to a या x belongs to b intersection के लिए, और b में भी belong करेगा और c में भी belong करेगा। देखिए यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं u, ये एक एक a सेट है और ये b सेट है। अगर वह a यूनियन b में है, a यूनियन b में है तो या तो वह सेट a में होगा और या तो वह सेट b में होगा। अगर या तो वह सेट a में है या तो सेट b में है तो ऑब्वियस ही बात है कि वह जो अवयव होगा वो a यूनियन b में शामिल होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं x belongs to a या x belongs to b और x belongs to a x belongs to a या x belongs to c। अब इसे आगे लिख सकते हैं x belongs to a union b और x belongs to a union c। और को हटाकर हम इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, x belongs to a union b intersection a union c। तो यहां से हमें यह मिल रहा है कि a union b intersection c, यहां पर हमने एक अवयव लिया था और हमें वो यहां पर मिल रहा है। तो यह जो है a union b intersection c, यह सबसेट होगा इसका a union b intersection a union c का। इसे समीकरण एक नाम देते हैं। अब हम पुनः मान करके चलेंगे कि x जो है ये अवयव है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x belongs to a यूनियन b और x belongs to a यूनियन c। अब यहाँ पर यूनियन का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर हम या लिख सकते हैं। तो लिखेंगे x belongs to a या x belongs to b और x belongs to a या x belongs to c। यहां पर ये और ये दोनों
दोनों ब्रैकेट पर है, तो हम यहां से लिख सकते हैं x belongs to A, या x belongs to B और x belongs to C। आगे हल करने पर हमें मिलेगा x belongs to A या फिर x belongs to B intersection C। या को हटाकर हम यूनियन लिखेंगे, x belongs to A union B intersection C। तो इससे यह कंक्लूजन आता है कि A union B intersection A union C जो है वह सबसेट होगा इसका। वह क्या है? A union B intersection C का। माना इसे समीकरण दो देते हैं, तो समीकरण एक व दो से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि A union B intersection C ये बराबर होगा A union B intersection A union C के। और यही समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के वितरण नियम का दूसरा नियम है।